पाइथागोरस मॉडल हमारा कोस तो इक्वेटी निकालने का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बी मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एफ। ओके तो अगर बात की जाए के ई स्टैंड फॉर कोस्ट ऑफ इक्विटी, आर एफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री रिटर्न। ओके ये क्या होता है रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा की बात करीजिए बी डिनोट करता है हमारा बीटा को। ओके और बीटा ये किस चीज का है बीटा ऑफ सिक्योरिटी है। ओके और अगर इसको वैसे लिखा जाए फॉर्मूला एक ये भी होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ मार्केट दैट इज बी एम इनटू में आर एम माइनस आर एफ। ओके ये फॉर्मूला होता है बट बीटा ऑफ मार्केट हमारा ऑलवेज इक्वल्स टू वन होता है। ओके ऑलवेज इज इक्वल टू वन तभी हम इसको लिख सकते हैं यहां पे बी एस कर सकते हैं हम इसको बीटा ऑफ सिक्योरिटी। ओके और अगर आर एम की बात करी जाए तो ये क्या है मार्केट रिटर्न जो मार्केट हमें दे रही है। ओके और ये आर एफ क्या आ गया वापस रिस्क फ्री रिटर्न। ओके अब अगर रिस्क फ्री रिटर्न की बात की जाए तो रिस्क फ्री रिटर्न हमारा क्या होता है रिस्क फ्री रिटर्न होता है हमने जितना भी पैसा लगाएंगे हम बाय चांस हमने किसी रिस्क फ्री एसेट में लगाया। सपोज करो आपके पास 1000 रुपए थे और आपने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। ओके अगर बाय चांस आपने क्या करा सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कराए तो आपके ऊपर आपको मान लो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके तो ये 4% रेट ओके ये तो फिक्स दी है। ओके ये तो आपको मिलना ही मिलना है और ये क्या है रिस्क फ्री मतलब जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर जिनको हम बोलते हैं जीसेक सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट किया वो सारा आपका हो जाता है रिस्क फ्री रिटर्न। ओके और रिस्क आरएम की बात करी जाए तो ये होता है मार्केट रिटर्न। ओके अगर आपने थोड़ा सा भी रिस्क उठाया एक्स्ट्रा रिस्क उठाया उसके बदले में आपको जो मिला वो हमारा हो जाएगा ये मार्केट रिटर्न। ओके तो ये सारा कुछ रिस्क उठाने पे देखो इतना तो हम बिना रिस्क उठाए ही कमा रहे हैं ना तो अगर रिस्क उठाएंगे तो हम ऑब्वियसली उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। ओके वेरियस अगर बीटा की बात करी जाए तो बीटा होता है हमारा रिस्क। ओके और बीटा की हमें वैल्यूज गिवन होंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये कुछ भी हो सकती है 0.4, 1, 2 और इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बीटा नेगेटिव भी हो सकता है। ओके अब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो कैसे हमें पता चलेगा वो हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा। ओके तो अगर बात करी जाए मार्केट में अप जा रही है ओके और अगर बीटा नेगेटिव है ओके तो बीटा नेगेटिव है तो सिक्योरिटी हमारी नीचे जाएगी। ओके सपोज करो अगर बीटा किसी कंपनी का 2 आ जाता है ओके तो बीटा 2 है और वो भी कौन सा नेगेटिव 2 है माइनस 2 है तो दैट मीन्स अगर मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट अगर मान लो 1 से ऊपर जा रही है ओके तो सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो 2 से नीचे जाएगी दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव बीटा। और अगर पॉजिटिव बीटा है अगर इसी सिचुएशन में पॉजिटिव 2 है तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी मान लो मार्केट 1 से ऊपर गई तो सिक्योरिटी की वैल्यू 2 से ऊपर जाएगी। ओके सेम वाइस वर्सा भी यही हो जाएगा। ओके तो ये हमें बताता है बीटा। तो आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके रिस्क फ्री रिटर्न हमें दे रखे 7% बीटा हमें दे रखे पॉजिटिव 1.20 आर एम माइनस आर एफ की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है दैट इज 6%। ओके फाइंड करने में कोस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग द कैपएम मेथड। ओके तो अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा कोस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इनटू में आर एम माइनस आर एफ। ओके वैल्यूज हमें सारी गिवन ही है तो जैसे इसमें पुट करनी है रिस्क फ्री रिटर्न की बात करी जाए तो ये हमें गिवन है 7% का प्लस में बीटा में गिवन है 1.2। ओके आर एम माइनस आर एफ हमें डायरेक्टली ही गिवन है दैट इज 6%। ओके तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7%। ओके 72 दैट इज 7.2%। ओके तो ये कितना हो जाएगा 14.2% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी आ गई 14.2%। ओके तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट हमें करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10% द फर्म्स बीटा इज इक्वल टू 1.75 एंड द मार्केट रिटर्न इज 15%। ओके यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके सो अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू में मार्केट रिटर्न माइनस में रिस्क फ्री रिटर्न। ओके तो आर एफ की बात करी जाए तो रिस्क फ्री रिटर्न हमें गिवन है ऑलरेडी कितना 10% का। बीटा की बात करी जाए तो बीटा है पॉजिटिव 1.75
और आर एम माइनस आर एफ रिस्क, मार्केट रिस्क कितना है 15% माइनस में 10% क्या है हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ओके तो ये आ गया 10% प्लस में 1.75 इंटू में 15 माइनस 10 दैट इज 5%। ओके तो ये आ जाएगा 10% प्लस में 8.75%। ओके इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18.75%। ये क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर द कैपे मेथड। ओके सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए लिमिटेड व्हिच हैज बीटा ऑफ 0.75 दैट इज पॉजिटिव व्हेन रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.07 दैट इज 0.07 का मतलब क्या हो गया 7% हो गया। ओके एंड मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी 0.18 का मतलब क्या हो गया 18%। ओके सो हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू द कैपएम मेथड। ओके कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू में आर एम माइनस आर एफ। ओके वैल्यूज की बात कीजिए तो हमारे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% प्लस में बीटा कितना है 0.75। ओके आर एम माइनस आर एफ दैट इज 18% माइनस में 7%। ओके तो अगर बात की जाइए हमारा क्या आ जाएगा 7% प्लस में 0.75 इंटू में ये क्या है 11%। ओके 18 माइनस 7 दैट इज 11% तो ये आ जाएगा 7% प्लस में 8.25%। ओके 15.25% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ए लिमिटेड। ओके टू द फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी लिमिटेड व्हिच हैज बीटा ऑफ 0.71 व्हेन द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना है 0.09 दैट इज कितना हो गया 9%। ओके एंड यू एक्सपेक्ट ए मार्केट रिटर्न दैट इज आरएम की वैल्यू में गिवन है 0.13 दैट इज 13%। ओके तो जस्ट हमें फॉर्मूले में पुट करना है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू आरएम प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी इनटू में आरएम माइनस आरएफ। ओके सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 9% बीटा की बात करीजिए तो दैट इज 0.71 इनटू में आरएम कितना है 13% माइनस में 9% दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ओके सो अगर बात करी जाए तो ये 9% प्लस में 0.71 इंटू में 4%। ओके तो ये आ गया 9% प्लस में 2.84%। ओके तो ये आ जाएगा 11.84% दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके सो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है दैट इज द 5%। ओके मार्केट रिटर्न हमें गिवन है दैट इज 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें ऑलरेडी गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के ही हमें यहां पर गिवन है। ओके तो अगर इस क्वेश्चन में बात करी जाए तो हमें निकालना क्या है बीटा फाइंड आउट करना है। ओके तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, क्या है फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू में आर एम माइनस आर एफ। ओके सो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 15%। ओके रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की बात करी जाए तो दैट इज 5%। बीटा हमें निकालना है तो बीटा को हम बी ही लिख देते हैं। ओके इंटू में आर एम मार्केट रिटर्न कितना है हमारा 10% माइनस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिल रहा था 5% का। ओके तो ये आ गया 15% इज इक्वल्स टू 5% प्लस में बीटा इंटू में 5%। ओके सिंपल है, 5 यहां पे आके माइनस हो जाएगा दैट इज 10%। ओके इज इक्वल टू बीटा इंटू में 5%। ओके 5% नीचे चला जाएगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% डिवाइडेड बाय 5%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा 5 2 10 तो बीटा हमारा आ गया पॉजिटिव 2। ओके थैंक यू वेरी मच।